मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग भोपाल के आदेशानुसार 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर दी गई सजा में छूट का लाभ पाकर केंद्रीय जेल रीवा से रिहा होने वाले आजीवन कारावास के 29 कैदी को मध्य प्रदेश शासन की ओर से किया गया रिहा। इस वक्त की बड़ी खबरें रीवा से, जहां केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास सजा काट रहे 302 के 29 कैदियों को रिहा कर दिया गया है, जिसमें से 27 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश शासन ने 15 अगस्त 26 जनवरी गांधी जयंती अंबेडकर जयंती के दिन कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया है। उसी कड़ी पर आज गांधी जयंती के अवसर पर आजीवन कारावास सजा काट रहे 29 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। रीवा केंद्रीय जेल अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी देते हुए एसके उपाध्याय ने बताया, जिन 29 कैदियों को रिहा किया गया है, जो उनमें से 27 पुरुष कैदी हैं व 2 महिलाएं कैदी हैं। यह सभी कैदी आजीवन कारावास के लिए कैद किए गए थे और कैदियों को जेल से छूटने के बाद कैदियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। वहीं रीवा केंद्रीय जेल में जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय ने सभी कैदियों को माला, श्रीफल और मिठाई बांटकर विदा किया। आपको बता दें, इन कैदियों में से कुछ ऐसे भी कैदी थे जिन्होंने जेल के अंदर अपना नाम रोशन किया है। आपको बता दें, इसमें से एक महिला कैदी ने अंदर सिलाई का काम किया तो दूसरा पुरुष कैदी ने पेंटिंग का काम किया। वहीं एक और पुरुष कैदी ने जेल के अंदर पंडा बनकर पूजा पाठ का कार्य किया। आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं रीवा केंद्रीय जेल और सुनाते हैं केंद्रीय जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय और कैदियों का क्या कहना है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आपकी खबर हमारी नजर। कैसे, क्या नाम है आपका? पड़सू पाव। कब से आप जेल के अंदर सजा काट रहे थे? यहाँ 7 मार्च 2007 का काटा था। लगभग 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल हो गए पूर्व बार। कौन सी सजा काट रहे थे आप यहाँ? 302। आज आपकी रिहाई हो रही, कैसा लग रहा? हाँ, ठीक लगा थे। आप क्या करेंगे? आप क्या कर दाऊ, खेती किसानी तो है ही है, बनी मन जाएगी। जेल में कैसा सफर था अधिकारियों का? ठीक रहा, हम ही नहीं बोली कब के। जेल में क्या काम करते थे आप? ये झाड़ू कमान। झाड़ू का काम करते? हाँ, पूरी जरिए। हाँ, पूरा, जब से मैं आया तब से वहाँ हम काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? शहडोल। शहडोल, क्या नाम है आपका? परसू पाव। क्या नाम है आपको? मनोज शुक्ला। बताइए, कब से आप यहाँ सजा काट रहे हैं? 2004 से। 2004 से। आज आपकी रिहाई हो रही, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या अंदर आप कुछ काम भी करते थे? हाँ, मैं चलाते थे पाठशाला में। पाठशाला का काम? पाठशाला, खाना भोजन यहाँ बनता था। वहाँ का काम? उसमें क्या काम होता था? वहाँ बंदियों को भोजन बनता था, वही बनवाते थे, भोजन वगैरह बनवाते थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सीधी। कौन सी सजा में गए थे आप? 302। कब गए थे? 2004। कितनी सजा काटी है आप? सजा 18 साल पूरे हो गए। अब आगे जा जेल से छूटने पर क्या करेंगे? अब जाएंगे, कोई काम है धाम देखते हैं, ढाबा खोलेंगे। ढाबा खोलेंगे। जेल में क्या था आपका सफ़र, कैसा था? बहुत अच्छा था। अधिकारियों का कैसा था? बहुत बढ़िया, अधिकारी बहुत बढ़िया थे, बड़े अच्छे से समय बीता यहाँ। कब से सजा काट रहे थे आप? 2007 से। बहुत अच्छा। काहे पे आप अंदर आए थे यहाँ? 302 में। 302 में आए थे। आज आपकी रिहाई हो रही है, किस तरह आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। गांधी जयंती के लिए? बहुत अच्छा। आप अंदर पेंटर का भी काम करते थे? जी। क्या क्या चीज़ आपने अंदर की थी पेंटर? बिजली काम भी जानते हैं और पेंटिंग का भी जानते हैं। अंदर किए थे आप? क्या क्या जेल के अंदर काम किए हैं आप? पेंटिंग के किए हैं और बिजली विद्युत का। पेंटिंग में क्या किए थे आप अंदर? पेंटिंग में लिखाई पढ़ाई कर सब काम। उसका लड़का कहाँ रहने वाले हैं? हम शहडोल जिला के हैं, शहडोल विदौरा गाँव। कितने वर्ष का यहाँ थे आप? 15 साल रहे। 15 साल। कौन सी सजा में गए थे? 302 में।
अब जेल से जब जाके क्या करेंगे आप बाहर? अब इलेक्ट्रॉनिक का काम भी खोलेंगे सर। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? कमलेश सिंह ग्राम मितौरा के हैं, सरोज जिला के। तो शुक्ला तो भाई कब से आप यहाँ सजा काट रहे हैं? वर्ष 26 सितंबर 2004 से। किस तरह आपको यहाँ पर वो रहा है? बहुत अच्छा रहा है। आज आपकी रिहाई हो रही है? आज रिहाई हो रही है और ये सभी जेल प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी सभी धन्यवाद के पात्र हैं और माननीय केंद्रीय जेल रीवा के सभी कर्मचारियों ने यहाँ गणेश भगवान की पहले बार स्थापना की और गणेश भगवान पूरे विघ्नों को नष्ट करते हुए अब माता जी के आने पर सभी बंदियों की रिहाई हुई। तो अब आज आपकी रिहाई हो रही है? आज मेरी रिहाई बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल काटे? मैं 18 वर्ष के करीब जा रहा हूँ, 18 वर्ष से 11 माह 23 दिन। यहाँ 302 में जेल में क्या कैसा? बहुत अच्छा कार्यक्रम है जेल में, बहुत अच्छा सभी अधिकारी कर्मचारी हैं। यहाँ पंडिताई का भी काम करते हैं? हाँ, मैं पंडिताई का यहीं से सीखा हूँ, यहीं कर रहा हूँ अंदर जेल के अंदर। जी जी, पूजा पाठ वगैरह जी जी। हाँ जी जी। अब आप यहाँ से जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद अब हम तो यज्ञ का कार्य करेंगे, 1100 यज्ञ का हमने अनुष्ठान किया है, 1100 यज्ञ पूर्ण करने के बाद हम भगवान की सेवा में ही रहेंगे। मेरा सब कुछ ठीक है। प्रेमिया बाई नाम है। कब से आप यहाँ सजा काट रही हैं? मैं 2009 में आया हूँ यहाँ। 2009 हाँ, सजा पढ़ के 2005 में बंद रहा हूँ शहडोल जेल में, फिर वहाँ से यहाँ सजा पढ़ के आया हूँ मैं। यहाँ 12 13 14 साल में सजा काट रहा, अच्छी से रहा मैं, अभी काट सही रहा, मौर साहब अच्छी देखभाल करते रहे, नंबरदार पुरान रहा मैं, महिलान का बहुत देखभाल करते रहा, खाना से पीना से गोली दवाई से सब चीज़ से सेवा जतन करते रहा मैं, साहब खूब मानत रहे मैं। आपके बच्चे हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे रहे, एक बच्चा मोर यहाँ ख़त्म होएगा है जेल में, जेल के अंदर। यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे? सिलाई कढ़ाई करूँगी, खेती किसानी करूँगी। जेल में क्या कोई सुविधा थी? हाँ, सिलाई कढ़ाई भी करते रहे, सब कुछ चूड़ी कंगन सब बनावत रहे, सब सिलाई उलाई करते रहे। कहाँ के रहने वाली हैं? हम रहने वाली यहाँ कोतमा कैद के हैं, हम कोतमा लाए हैं, शहडोल जिला है। प्रेमिया भाई नाम है। कौन सी सजा काट रहे थे? 302 के सजा काटे हैं। देखिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी की तर्ज पर शासन की अभी जो नई पॉलिसी 22 सितंबर 2022 से बनी हुई है, उसके तहत अब कैदी साल में 4 अवसरों पर रिहा होंगे, 26 जनवरी, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। आज 2 अक्टूबर को शासन की नई पॉलिसी के तहत केंद्रीय जेल रीवा से भी 29 कैदी रिहा हो रहे हैं, इसमें 27 पुरुष कैदी हैं और 2 महिला कैदी हैं। ये सभी कैदी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 वर्ष माफ़ी, ऐसे करके कुल 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। जो शासन की नई पॉलिसी है उसके तहत ये निर्धारित मापदंडों पर खरे उतरे हैं। शासन से कल इनकी रिहाई का हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसी के तहत हम इनको आज केंद्रीय जेल रीवा से रिहा कर रहे हैं। इन कैदियों ने इन 14 वर्षों के दौरान जेल में रहने के दौरान जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है उससे ये अपने परिवार के साथ खुद का और परिवार का भरण पोषण करेंगे, साथ ही साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। हम लोगों ने इनको यही संदेश दिया है कि दोबारा अब कोई ऐसा कृत्य ना करें, कोई ऐसा अपराध ना करें जिससे पुनः उनको इस जेल में आना पड़े। थैंक यू। ज़्यादातर कैदी का है क्या सर इसमें? सभी कैदी आजीवन कारावास के कैदी हैं, सभी 302 के कैदी हैं। ये सभी कैदी जो है 20 साल अपने कंप्लीट कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के सभी जेलों में है? हाँ, मध्य प्रदेश की सभी जेलों से आज कैदी रिहा हो रहे हैं। और रीवा से कितने हैं? रीवा केंद्रीय जेल से 29 कैदी रिहा हो रहे हैं, इसमें 27 पुरुष और 2 महिला हैं। इसमें से 5 कैदी ऐसे हैं जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 2 कैदी ऐसे हैं जो 70 साल से अधिक के हैं।